जो आज कैंप लगा है ये फर्स्ट इनिशिएटिव है डोडा टाउन के लिए कि एनसीडी स्क्रीनिंग्स हो रही है, खासकर हमारे अपने टाउन की हो रही है, जिसमें हम स्क्रीन कर रहे हैं हाइपरटेंशन, जिसमें हम डायबिटीज स्क्रीन कर रहे हैं और 3 तरह के कैंसर्स को स्क्रीन कर रहे हैं। और हमारे पास सुबह से काफ़ी भीड़ लगी हुई है, ऐसे भी लोग हमारे पास आए हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हमें बीपी है ही नहीं, हम डायबिटिक है ही नहीं, और हमारे यहाँ स्क्रीन करने के बाद वो पॉजिटिव आए हैं, फॉर हाइपरटेंशन भी उनको है और उनको डायबिटीज भी है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए ये 3 तरह की चीज़ें जो हैं ये हमें हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता जब तक हम इनका चेकअप नहीं करवाएं। इसलिए हर एक इंसान को, जो भी 30 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। जिनको भी पता चला तो वो आके यहाँ पे उनने इस चीज़ का फ़ायदा लिया और यहाँ पे जो एनसीडी स्क्रीनिंग थी, यहाँ पे उनका जो है ये ब्लड शुगर जो है वो टेस्ट हुआ, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी जो है उनका चेक हुआ, दूसरे जो हैं 5 डिजीज जो है यहाँ पे चेक हो गई, स्क्रीन हो गई। तो इस चीज़ का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि लोग बिल्कुल अनअवेयर हैं इस चीज़ से कि हाइपरटेंशन क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है। तो कुछ लोग ऐसे आए आज यहाँ पे कि जिनने फर्स्ट टाइम ये क्या कहते हैं टेस्ट कराया यहाँ पे, तो उनको इस बात का यानी कि वो बात सामने आई कि हाँ वो डायबिटिक हैं और वो हाइपरटेंसिव हैं, जबकि उनको आज से पहले ये पता नहीं था कि हमारा बीपी कितना था, हमारा ब्लड शुगर कितना था। खास तौर से मैं डोडा टाउन की, मैं खुद लोकल हूँ यहाँ पे, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आके आप अपना चेकअप करवाएं। मंडे को कम्युनिटी हॉल में इसी तरह का कैंप लगेगा, तो जितने भी लोग हैं चाहे किसी भी वार्ड, हमारे डोडा टाउन में 17 वार्ड है, 17 वार्ड से हर एक बंदा जो है, जो 30+ है, 30 साल से ऊपर की उम्र वाले, वो सब आके अपना एक बार चेकअप। लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज डोडा की बात करें तो डोडा के टाउन हॉल के अंदर आज चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से कैंप लगाया गया, जिस कैंप पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं स्पेशल एनसीडी स्क्रीनिंग जो है कैंप यहाँ पर हो रहा है, और खास तौर पर फ्री चेकअप जो है जितने भी खास तौर पर यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए फ्री चेकअप जो है यहाँ पर रखा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर्स यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे और आज के कैंप को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूँगा, आज जो कैंप यहाँ पर लगाया गया है क्या कुछ फ़ायदा इससे होगा? और जी, जो आज कैंप लगा है ये फर्स्ट इनिशिएटिव है डोडा टाउन के लिए कि एनसीडी स्क्रीनिंग्स हो रही है, खासकर हमारे अपने टाउन की हो रही है, जिसमें हम स्क्रीन कर रहे हैं हाइपरटेंशन, जिसमें हम डायबिटीज स्क्रीन कर रहे हैं और 3 तरह के कैंसर्स को स्क्रीन कर रहे हैं। और हमारे पास सुबह से काफ़ी भीड़ लगी हुई है, ऐसे भी लोग हमारे पास आए हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हमें बीपी है ही नहीं, हम डायबिटिक है ही नहीं, और हमारे यहाँ स्क्रीन करने के बाद वो पॉजिटिव आए हैं, फॉर हाइपरटेंशन भी उनको है और उनको डायबिटीज भी है, जिसके लिए हमने आगे उनको ट्रीटमेंट पे रखा है, या पहले उनको हमने कहा है कि आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कीजिए। ये CMO डोडा की तरफ से आज कैंप था, अब्दुल हामिद जरगर की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से, और इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है। ये कल संडे नहीं, परसों मंडे को ये जो कैंप है दोबारा होगा कम्युनिटी हॉल में, और मैं आपके चैनल की तरफ से लोगों को कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आए और अपना ये फ़ायदा ले। फ्री स्क्रीनिंग हो रही है, हर चीज़ फ्री हो रही है, वहाँ आके फ़ायदा ले। जिस तरह आपके कुछ केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे किसी का शुगर ज़्यादा हो या बीपी ज़्यादा हो, उसके बाद किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, क्या फर्दर कंटिन्यू ट्रीटमेंट जो है किए जा रहे हैं या खाली यहाँ के लिए ही इतना सब कुछ रहता है? देखिए, जिनका हम आज यहाँ जो हमारे पास डायग्नोस्ड हो रहे हैं, हम उस डायग्नोसिस को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम फिलहाल उनको एक ट्रायल बेस पे रखते हैं फॉर अ वीक और फॉर 2 or 3 days कि वो अपना रोज चेक करवाएं। अगर उनका 3 days या 1 हफ्ते तक कंटिन्यू सेम आ रहा है, फिर हम उनको पहले तो यही बताएंगे कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपना जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए, जो आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं उनको अवॉइड कीजिए, थोड़ा मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ अवॉइड कीजिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, पानी खुला पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जिन चीज़ों से आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं जो कम होंगी। बहुत सारे लोग इस कैंप को खास तौर पर नॉर्मल वे में लेते हैं कि आज फ्री कैंप है तो इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा, थोड़ा वो भी आप थोड़ा। ये उन लोगों के लिए नुकसान है जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये फ्री कैंप है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप चेक कीजिए, आप बाहर भीड़ देखिए, अंदर देखिए कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस कैंप का फ़ायदा उठाया है, और गवर्नमेंट अगर आपको कोई चीज़ फ्री ऑफर कर रही है उस चीज़ का फ़ायदा लीजिए। ये आप लोगों के लिए कैंप लगाया जा रहा है, हम लोग सुबह से यहाँ आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूली डायग्नोस्ड हुए हैं, उनको नहीं पता था, कम से कम अब वो अवेयर होंगे कि उनको साल्ट इंटेक थोड़ा कम करना है, शुगर इंटेक थोड़ा कम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है। जो लोग फ्री होते थे, बैठ जाते थे, उनको ये पता चलेगा कि नहीं, अगर हमारी कोई चीज़ ज़्यादा है, हम डायबिटिक है या हम हाइपरटेंशन, हमें थोड़ा वॉक करना है, हमें अपना जो है बॉडी को मेंटेन करना है,
इसलिए ये कैंप है और लोगों को आना चाहिए, इस कैंप में हिस्सा लेना चाहिए। ट्रीटमेंट से लगातार दवाइयाँ वगैरह भी यहीं से दी जा रही है? नहीं, आज हमने यहाँ पे मेडिसिन कोई भी नहीं रखी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कैंप करेंगे, हम सीएमओ सर से बात करेंगे और हम मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे। आने वाले टाइम में जिस तरह आपने कहा कि मंडे को भी ये कैंप हो गया, फर्दर आने वाले टाइम में लगातार इस तरह के कैंप जो है, खासतौर पर टाउन की अगर हम बात करें, क्योंकि रूरल एरियाज में देखा जाता है कि कैंप्स लगाए जाते हैं लेकिन टाउन में बहुत कम इस तरह के कैंप्स देखने को। ये सीएमओ सर का पहला इनिशिएटिव है कि पूरे डोडा टाउन की सर्वे हम एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए कर रहे हैं और टाउन के लोगों को ये फायदा है कि उनकी फ्री स्क्रीनिंग हो रही है और हर वार्ड में ये कैंप होगा। फिलहाल तो कम्युनिटी हॉल में है, जो भी लोग आना चाहें, ये नहीं है कि ये इस वार्ड का, इस वार्ड के लिए कैंप है, जो भी वहाँ आना चाहे ओवरऑल सबके लिए है और मोस्ट वेलकम। हम बैठे हैं, हम आपके लिए बैठे हैं, हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं और हम वहाँ भी इसी तरह आपको सर्विस देंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएँ और अपना चेकअप कराएं। देख लिया आज के कैंप को लेके क्या कुछ कहना था हमारे से, और भी डॉक्टर्स हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इससे भी जानने की कोशिश करेंगे इस कैंप को लेकर। तो इस कैंप को लेकर थोड़ा आप बताएं। जी देखिए, ये एनसीडी स्क्रीनिंग का कैंप है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कैंप। इसमें पांच तरह की बीमारियां जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और तीन तरह के कैंसर हैं जिनकी स्क्रीनिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो स्क्रीनिंग है ये ऐसे रूरल एरियाज़ में तो पेरीफेरी में बहुत ज़्यादा होती थी, हर सैटरडे को होती थी, मगर टाउन में ये चीज़ पहली बार है। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर सर ने ये पहली बार इनिशिएटिव लिया है कि हमारे डोडा टाउन में भी इस तरह के कैंप्स जो हैं वो लगाए जाएँ। तो ये पहली बार स्क्रीनिंग कैंप जो है ये डोडा टाउन में लगा है। आज तो ये इस वार्ड में लगा है, मंडे को इसी तरह का कैंप जो है फ्री मेडिकल कैंप कम्युनिटी हॉल में लगने वाला है। तो इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि इस फ्री मेडिकल जो कैंप है आपके लिए लगाया जा रहा है और आप इसका फायदा जरूर उठाएं। कितने लोग जो है आज इस कैंप पे आए होंगे? जी अबव 100 जो हैं वो लोग यहाँ पे आए हैं, जिनकी हमने स्क्रीनिंग की, जिनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो है चेक किया है और कैंसर की स्क्रीनिंग की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इनको बीपी भी होता है, शुगर भी होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं कि हो नहीं सकता। तो क्या लगता है उन लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहोगे? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए, ये तीन तरह की चीज़ें जो हैं ये हमें हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता जब तक हम इनका चेकअप नहीं करवाएं। इसलिए हर एक इंसान को, जो भी 30 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। इस कैंप से आने वाले टाइम में क्या कोई फ़ायदा होगा, आने वाले टाइम में किस तरह ये लगातार कैंप्स जो है खासतौर पर अगर सिटी के अंदर की बात करें तो लगेंगे या लगने चाहिए इस तरह? जी बिल्कुल, ये इस तरह के स्क्रीनिंग के कैंप जो हैं अब रेगुलरली इस टाउन में लगते रहेंगे और ये चीज़ ऐसी है कि हमें ये चीज़ नहीं पता चलती जब तक हम चेक नहीं करवाते हैं। इसलिए हर एक इंसान को आके इस चीज़ का चेकअप जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। मैसेज क्या रहेगा खासतौर पर आप? खास तौर से मैं डोडा टाउन की, मैं खुद लोकल हूँ यहाँ पे, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आके आप अपना चेकअप करवाएं। मंडे को कम्युनिटी हॉल में इसी तरह का कैंप लगेगा, तो जितने भी लोग हैं चाहे किसी भी वार्ड, हमारे डोडा टाउन में 17 वार्ड है, 17 वार्ड से हर एक बंदा जो है, जो 30+ है, 30 साल से ऊपर की उम्र वाले, वो सब आके अपना एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं। तो और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो इस कैंप को लेकर खासतौर पर जो जानकारी है वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह लगातार देखने में आ रहा है कि ब्लॉक लेवल की बात करें या जितने भी रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर जो है फ्री मेडिकल कैंप जो हमेशा से लगे और हमेशा से देखने को मिलता है कि वहाँ पर कैंप लगते हैं, लेकिन आज पहली बार सिटी के अंदर कैंप ये लगा हुआ, इस सब को लेकर आपका क्या? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये टाउन में जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे न्यूली अपॉइंटेड सीएमओ सर जो हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर साहब, तो उनने इस चीज़ को जो है टाउन से शुरू किया है। अगर हम ओवरऑल रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ की जो एनसीडी स्क्रीनिंग है वो 100% हो चुकी है, लेकिन टाउन की अभी तक एनसीडी स्क्रीनिंग नहीं हो चुकी थी, तो इस वजह से उनने सबसे पहले इस चीज़ को टाउन से शुरू किया है और यहाँ पर आज ये फर्स्ट कैंप जो था टाउन में था, तो यहाँ पर एनसीडी स्क्रीनिंग हो रही थी। अब जो सीएमओ सर हैं उनने बताया है कि ये हमने जो है हर वार्ड लेवल पे करना है, हर वार्ड के उस पे लेवल पे करना है, तो अब आज उनने वार्ड लेवल पे जो शुरुआत की है, कुछ टीमें हमारी ऐसी बनाई हैं, हमारी पूरी यानी कि ब्लॉक गार्ड जो है, ब्लॉक गार्ड में ये टीमें बनी हुई हैं, तो ये हर वार्ड में जा रहे हैं और वहाँ पे एनसीडी स्क्रीनिंग हो रही थी। तो ये जो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाउन हॉल में जो ये स्क्रीनिंग का वो कैंप चल रहा है, एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप जो चल रहा है, तो ये जो आसिफ जहाँ गत्तू जो हैं, जो शायद वार्ड मेम्बर हैं यहाँ के, तो उनने अपने वार्ड का करवाया था। इसमें सिर्फ उनके वार्ड के लोग नहीं आए, तो हमें ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि सिर्फ उनके वार्ड के नहीं बल्कि जिनको भी पता चला तो वो आके यहाँ पे
उनने इस चीज़ का फ़ायदा लिया और यहाँ पे जो एनसीडी स्क्रीनिंग थी, यहाँ पे उनका जो है ये ब्लड शुगर जो है वो टेस्ट हुआ, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी जो है उनका चेक हुआ, दूसरे जो हैं 5 डिजीज जो है यहाँ पे चेक हो गई, स्क्रीन हो गई। तो इस चीज़ का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि लोग बिल्कुल अनअवेयर हैं इस चीज़ से कि हाइपरटेंशन क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है। तो कुछ लोग ऐसे आया जहाँ पे कि जिनने फर्स्ट टाइम ये क्या कहते हैं टेस्ट कराया यहाँ पे, तो उनको इस बात का यानी कि वो बात सामने आई कि हाँ वो डायबिटिक हैं और वो हाइपरटेंसिव हैं, जबकि उनको आज से पहले ये पता नहीं था कि हमारा बीपी कितना था, हमारा ब्लड शुगर कितना था। तो जब वो आ गए यहाँ पे, उनका टेस्ट हुआ तो तभी उनको पता चला। हम लोगों को यही कहते हैं कि अगर ऐसा कहीं पे यानी कि ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कि मेडिकल कैंप हो रहे हैं, तो वहाँ पे आए, मेडिकल जो टीम है उनका ताउन करें, ताकि लोगों को जो है ये अवेयर, लोग अवेयर हो सकें कि हाँ जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में उन्हें पता चले कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकें कि अगर ये सिम्टम हम में है तो मे बी हमारे अंदर ये चीज़ हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए लोगों को इस चीज़ का ताउन ना चाहिए, लोगों को इस चीज़ को यानी कि जो भी कैंप्स हो रहे हैं उनको कामयाब बनाना चाहिए। आज हमने यहाँ पे टाउन हॉल में किया और जो मंडे, कमिंग मंडे जो है यानी कि कल नहीं तो परसों जो है वो अब कम्युनिटी हॉल डोडा में जो है वो सिर्फ एक वार्ड का नहीं बल्कि वहाँ पे 5-6 वार्ड जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो 5-6 वार्ड के जो लोग हैं वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों को कि सिर्फ 5-6 वार्ड पे नज़र ना रखें, अगर उसके अलावा भी कोई और लोग भी आना चाहें, जितने लोग आ जाएंगे तो मोस्ट वेलकम, हम वहाँ पे अवेलेबल होंगे। ओपन कैंप सबके लिए? हाँ, ओपन कैंप सबके लिए है, वो वहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग होगी और उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाएगा कि ये जो एनसीडी है जो होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं, तो उनके बारे में उनको अवेयर किया जाएगा ताकि लोगों की जानें जो हैं बच सकें। आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि कुछ केसेस जो है हमारे पास ऐसे आए जिन्हें पहली बार चेकअप कराया है, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह लगातार लोग जो है परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन कभी वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो लगातार ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए ये कंटिन्यू, मतलब ये इस तरह की जो स्क्रीनिंग हो रही है करवाना? जी बिल्कुल, स्क्रीनिंग तो करवानी है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है कि अगर आपको यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कैंसर की जो होती है स्क्रीनिंग होती है वो एवरी 5 ईयर के बाद होती है, और ये जो होती है क्या कहते हैं डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की जो स्क्रीनिंग होती है ये एवरी आफ्टर 6 मंथ जो होती है, यानी कि साल में 2 बार होती है। तो कराएं, लोग कराएं इस चीज़, ये जो स्क्रीनिंग है ये कराएं, ताकि लोगों को पता चले कि पहले हमारी जो यानी कि लेवल क्या था, ब्लड शुगर का लेवल क्या था, पहले हमारा बीपी क्या रहता था और आज क्या है, 6 महीने के बाद पता चले। आज अभी मैंने भी अपना भी चेकअप कराया, मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बीपी भी ज़्यादा। जी बिल्कुल, आपका मैंने मैनुअली भी देखा और जो ऑटोमेटिक मशीन हैं उसके ज़रिए भी हमने देखा, आपका बीपी भी ज़्यादा हुआ, बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आपका बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा बीपी है या कुछ है, आपको तो लग रहा था कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब आपका बीपी यहाँ पे चेक हुआ मैनुअली तरीके से, जब आपका बीपी चेक हुआ तो आपको भी बीपी बढ़ा हुआ मिला। ठीक है, वो तभी आपको, अब जो आप परहेज़ करेंगे, जो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो होते हैं यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो करेंगे, आप अपने अपने ऊपर जो है ध्यान रखेंगे, ये तभी करेंगे जब आपको पता चला कि यूअर बीपी इज़ रेज्ड। ठीक है, जैसे नमक की अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल, देखिए साल्ट इनटेक तो होता ही है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि फैटी चीज़ जो होती हैं वो भी कम करें, हमेशा जो है एक्सरसाइज पे ध्यान दें। ठीक है, स्ट्रेस या कोई भी ये क्या कहते हैं डिप्रेशन जो होता है इसके शिकार ना बने, अपने आप को बिल्कुल खुला छोड़ें। ठीक है, किसी सिम्ट में मत रखिए अपने आप को, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको अब ये सिर्फ जहन में लेकर ये बात नहीं सोचनी है कि मेरा बीपी ज़्यादा हुआ तो अब मे बी कल आपका बीपी ज़्यादा हो, इससे बेहतर है कि आप चेक कराएं रेगुलर आप बेस पे। हमने आपको ये भी एडवाइस किया कि आप 5 to 6 days जो है कंटिन्यूसली अपना बीपी चेक कराएं, फिर जाके देखा जाएगा कि आपका सिर्फ जो बीपी है वो आज ही बढ़ा हुआ है या 5 से 6 दिन जो आप चेक कराएंगे उस पर नज़र रखी जाएगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इंसान को एडवाइस भी दी जाती है, अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो उसको मेडिसिन की प्रेस्क्राइब की जाती है। शुक्रिया, तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था आज फ्री कैंप जो है खासतौर पर डोडा टाउन हॉल में हुआ और काफ़ी सारे तादाद में लोग यहाँ पर आए और अपना चेकअप कराए, और क्या कुछ था वो तो आपने सुन लिया, लेकिन उम्मीद रहेगी आने वाले टाइम में जितने भी लोग खासतौर पर डोडा के हैं वो आए और इन कैंप्स का फ़ायदा उठाए और देखिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स है। और मंडे को जिस तरह उन्होंने कहा कि मंडे को यहाँ पर कैंप है, तो उम्मीद रहेगी कि कम्युनिटी हॉल डोडा में मंडे को भी ये कैंप है, तो आप ज़रूर आए और इस कैंप का जो है आप भी हिस्सा बने।